जनपद संभल के चंदोसी में आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम मुरादाबाद को एक ज्ञापन स्टेशन प्रभारी रोडवेज चंदोसी के माध्यम से भेजा, जिसमें रोडवेज परिसर की समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया और कहा गया कि चंदोसी एक व्यापारिक केंद्र है। मुरादाबाद, संभल, दिल्ली, अलीगढ़, देहरादून, बरेली, बदायूं, काफ़ी जगह से यात्री आते हैं और यहाँ पर से आसपास के क्षेत्रों से रोडवेज चंदोसी आकर सफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बिजली का इंतजाम नहीं है। लाइट न होने पर रात के समय पूरे परिसर में अंधेरा होता है। परिसर के अंदर इन्वर्टर की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा कई बार सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों द्वारा यात्री शेड की मांग उठाई जा चुकी है, जिसको लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने राज्य मंत्री को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन यात्री शेड की समस्या ज्यों की त्यों है। रोडवेज परिसर के अंदर नगर पालिका द्वारा पीने के पानी की टंकी लगाई गई थी, जो काफ़ी समय से खराब है और परिसर में पानी की किल्लत है। इसके अलावा जो शौचालय बनाया गया था उसमें गंदगी रहती है, उसकी सफाई नहीं होती है। रोडवेज परिसर छोटा होने के बाद यहाँ पर रोड पर अक्सर जाम लगा होता है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने मांग करते हुए कहा कि अगर शीघ्र ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, व्यापार मंडल रोडवेज परिसर में सांकेतिक धरना देगा। महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे करेंगे? आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय परिवहन निगम को एक ज्ञापन भेजा है। उसके माध्यम से हमें कहा गया है कि रात के समय यहाँ पर जो है वो लाइट को की व्यवस्था नहीं है। अगर लाइट बिजली चली जाए तो यहाँ पूरे परिसर में अंधेरा रहता है, हैं? तो इसके लिए हमने मांग की है कि भाई एक जनरेटर और एक जो है वो इन्वर्टर की व्यवस्था कम से कम हो यहाँ पे। इसके अलावा यात्री शेड के लिए कई बार कई सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने भी आवाज़ उठाई है। यहाँ पर यात्री शेड जो है वो बिल्कुल नहीं है। हर बार आश्वासन दे दिया जाता था अधिकारियों द्वारा, रोडवेज के अधिकारियों द्वारा, लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी तक यात्री शेड जो है वो यहाँ पर नहीं बना। इसके अलावा पानी की व्यवस्था के मामले में तो रोडवेज परिसर जो है बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। यहाँ पर पानी की एक टंकी नगर पालिका द्वारा लगाई गई है, हैं? उसमें भी वो भी काफ़ी दिनों से, कई महीनों से जो है वो ख़राब है। इन सब समस्याओं को लेके और इसके अलावा शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे रोडवेज परिसर के अंदर। इन सब समस्याओं को लेके आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से हमने कहा कि हमारी ये जो समस्याएँ हैं रोडवेज की, इन्हें जल्द से जल्द जो है वो दुरुस्त किया जाए, इन्हें जो है इसको पूरा करा जाए, क्योंकि इसके बराबर में ही बहजोई है। बहजोई का इतना अच्छा बस अड्डा बनाया गया है बिलारी का, लेकिन चंदोसी इतना बड़ा वो होने के बाद आसपास के क्षेत्रों में जो है यहाँ के यात्री यात्रा करते हैं यहाँ आकर, और इसके बाद जो है सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। और अगर ये 15 दिन में नहीं करेंगे तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सांकेतिक धरना देगा यहाँ रोड पर। एक ज्ञापन सौंपा है आर्य महोदय के नाम, क्या मांगे? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने ये मांग की है आर्य महोदय से कि एक तो यहाँ पर जो है रात को लाइट नहीं होती, यदि कोई यात्री यहाँ पर उतर जाए तो लुट सकता है, पिट सकता है। यहाँ पर इतने वाहन खड़े होते हैं, इतनी बसें खड़ी होती हैं, जगह नहीं है। इसके लिए हमने पिछले 2 माह पहले गुलाब देवी विधायक से, विधायक जी मंत्री महोदय से बात की थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं इस बारे में एक नया बस अड्डा बनवाऊँगी, लेकिन आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई है। यदि हम लोगों की ये मांग और हमारी ये समस्याएँ जो हमने दी हैं, जो हमसे पहले हमारे जो पदाधिकारी ने बोला है, यदि पूरी नहीं हुई तो व्यापार मंडल सभा कर एक मीटिंग करेगा और उसके बाद एक सांकेतिक प्रदर्शन करेगा। अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने ज्ञापन सौंपा है, इसमें क्या है इनकी मांग? इसमें इनकी मांगें जायज़ हैं और इनकी मांगों का मैं संतुति करते हुए, प्रबल संतुति करते हुए आर एम महोदय को मैं भेजूँगा। इनका जो मांग है कि यहाँ रात में लाइट जाने के बाद में कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है, वो होनी चाहिए, जायज़ मांग है। और पानी की व्यवस्था की भी जितनी इनकी मांग है, इनकी प्रबल संतुति करते हुए मैं आर एम महोदय के लिए अपना भेजूंगा।